सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ऐसे जिसका टॉपिक है भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। दोस्तों यह ऐसे आने वाले SSC MTS टीयर 2 एग्जाम के लिए और SSC CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे ही वीडियोज ऐसे ही ऐसेज अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है। भारत देश में कहने को तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर समस्या की जड़ कहीं ना कहीं भारत की विशाल जनसंख्या से जुड़ी है। भारत आज भौगोलिक क्षेत्र के मामले में विश्व में 2.4% भूभाग के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के मामले में विश्व की लगभग 17.6% जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर। दोस्तों भारत देश में बहुत समस्याएं हैं, उनकी जड़, उन सभी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं जनसंख्या से जुड़ी है, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं इस जनसंख्या के साथ साथ। अगर विश्व के भूभाग को देखा जाए तो उसमें पूरे विश्व के भूभाग में 2.4% पर भारत है, जबकि विश्व की 17.6% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जो देखने में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो रहा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट में। मेन पार्ट का पहला पैराग्राफ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण बेरोजगारी और निरक्षरता को बताया जाता है। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, लड़के का महत्व और परिवार नियोजन के उपायों के प्रति अज्ञानता भी इसका कारण बनते हैं। इसके अलावा जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ होती है उनमें भी उच्च जनन दर पाई जाती है। दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी और निरक्षरता को माना जाता है, और इसके भी अनेक कारण है, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, लड़के का महत्व, लड़के को बहुत ही महत्व दिया जाता है, ये कारण है, और परिवार नियोजन के प्रति, जो परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उनके प्रति लोगों में अज्ञानता इसका कारण बनते हैं। इसके अलावा जो बहुत से समाज होते हैं जिनमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ होती है, उनमें वहाँ पर उच्च जनन दर पाई जाती है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में, तो इसमें है जनसंख्या की वृद्धि की समस्या अन्य अनेक समस्याओं को पैदा करती है। प्रतिवर्ष उत्पादित खाद्यान्न अपर्याप्त बना रहता है और जो है वह महंगा हो जाता है, जिस कारण अन्य उपयोगी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अराजकता, निरक्षरता, भिक्षावृत्ति तथा अन्य सामाजिक व आर्थिक अपराध कहीं ना कहीं इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हैं। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं भी साथ साथ पैदा होती हैं। जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो अपर्याप्त ही रहता है, जिस कारण उसकी मांग बहुत अधिक होती है और पूर्ति बहुत कम होती है, जिससे वो महंगा हो जाता है, और दूसरी वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। बेरोजगारी की समस्या उसी से आती है, गरीबी की समस्या भी उसी से आती है, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अराजकता, निरक्षरता, भिक्षावृत्ति और दूसरी भी जो सामाजिक आर्थिक अपराध हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही होते हैं। अब आते हैं दोस्तों मुख्य भाग के तीसरे पैराग्राफ में, तो इसमें है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर उन्हें लोकप्रिय बनाना होगा, जनसाधारण में लड़के का मोह हटाना होगा और आम जनता को शिक्षित बनाना होगा, सरकार को कम संतान उत्पन्न करने वाले दंपतियों को पुरस्कृत करना चाहिए जिससे लोग प्रोत्साहित होकर संतान उत्पत्ति में कमी लाएं, अधिक बच्चे पैदा करने वाले को प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर बहिष्कार भी एक प्रभावी हल हो सकता है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में अगर उपाय पर नजर डालें तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार, उन्हें लोकप्रिय बनाना, जनसाधारण में लड़के का मोह हटाना। दोस्तों लड़कों का बहुत ज्यादा मोह होता है जनसाधारण में कि लड़का होगा तो वंश को आगे बढ़ाएगा, जैसे ही लड़की का महत्व कम हो जाता है, ऐसे में लड़के का मोह हटाना होगा, आम जनता को शिक्षित बनाना होगा, तभी जनसंख्या वृद्धि रुक सकती है। दूसरा बड़ा उपाय ये हो सकता है कि जो दंपति कम संतान उत्पन्न करते हैं उनको सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाए जिससे वो प्रोत्साहित होंगे और संतान उत्पत्ति में कमी आएगी। दूसरा बड़ा उपाय ये भी है कि जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं उन्हें प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए उनका, जैसे कि उनकी सब्सिडी सरकार रोक सकती है। इस तरह कई उपाय सरकार कर सकती है। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो 1981 में 2.3% थी 2016 में घटकर 1.2% आ गई है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में यह दर स्थिर हो जाएगी। इससे हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। एक बेहतर भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान को सुधारना ही होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे।
दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की दर अगर देखें तो 1981 में 2.3% थी और 2016 में 1.2% हो गई, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं जिस प्रकार से यह दर घट रही है निकट भविष्य में यह स्थिर हो जाएगी और जनसंख्या वृद्धि जो बहुत बढ़ोतरी चली जा रही इसमें थोड़ी कमी आएगी। इससे हम अगर समझें तो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वो सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। दोस्तों एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें अपने वर्तमान को सुधारना ही होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे। दोस्तों यह रहा कंप्लीट ऐसे भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या पर। दोस्तों यह ऐसे आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।